आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट जोन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग हम लोग पिछली सेशन में फ्री हैंड ड्राइंग सीखा था स्पून का, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एक फ्री हैंड ड्राइंग सर्कुलर शेप। और इसमें हम लोग सर्किल कमांड, लाइन कमांड का यूज़ करना जान चुके हैं, तो एरे कमांड का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग ऑटोडेस्क ऑटोकैड ऐप पे, इसमें हम लोग एकड आईएसओ DWT पे जाएंगे। पिछली सेशन में हम लोगों ने सीखा था लाइन कमांड को यूज करना और सर्किल कमांड को भी यूज करना सीखा था और फिलेट फिलेट को भी यूज करना सीखा था स्पून शेप में। आज हम लोग इस डायग्राम को सीखेंगे। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे किसी भी यूनिट का, तो हम लोग लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल 50 डायमीटर। सर्किल डायमीटर सर्किल का ले लिया, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ओके, इसे सेंटर स्पेसिफाई करेंगे और 500 यूनिट इसका डायमीटर ले लिया ओके। इसे हमें जूम करने के लिए स्क्रॉल को लैपटॉप या पीसी की तरफ रोटेट करना होगा और मिरर और इमेज को मूव करने के लिए स्क्रॉल को प्रेस करके मूव कर सकते हैं ओके। हाँ एक डायग्राम हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे, चलिए एक लाइन लेंगे इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट की ओर और इधर से इधर ओके। लाइन के लिए या तो इधर से जा सकते हैं या सिंपली एल इंटर करके ये क्वाड्रेंट हमने ले लिया। ऑर्थो मोड रखेंगे ऑन ताकि स्ट्रेट लाइन के लिए ओके फ्रेंड्स। चलिए इंटर मार के एस्केप हो जाएंगे, फिर इंटर करेंगे तो वो कमांड आपका रिपीट हो जाएगा। चलें ये रहा एंटर। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जो कि हम लोग लेंगे 60 रेडियस का ओके। सेंटर रेडियस सेंटर स्पेसिफाई कर लिया, अब रेडियस हमें 60 डाल देना है ओके। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या करना, इसके बाद हमें पहले इसे ट्रिम करना होगा और फिर एरे कमांड का यूज़ करेंगे। ट्रिम करने के लिए या तो यहाँ से ट्रिम यूज़ कर सकते हैं या तो TR एंटर ओके। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर ये हो गया। अब हम लोग एरे कमांड का यूज़ सीखेंगे। यहाँ एरे या आपको रेक्टेंगुलर में चाहिए या पाथ एरे या पोलर एरे, तो हमें अभी पोलर एरे चाहिए। ये सिलेक्ट हो गया, चलिए अभी इसे हम सिलेक्ट कर लें और एंटर। अब हम कह रहे हैं सेंटर पॉइंट ऑफ एरे को स्पेसिफाई करना है, तो ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ एरे और आ गया। अब हम यहाँ से कितना नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, कितना एंगल चाहिए, ये सब भी चेंज कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स। चलिए हम इसे क्लोज कर देंगे ओके। अब हमारा जो फिर काम आता है ट्रिम का ओके, जो ये शेप है सब ये सब ट्रिम करेंगे। फिर इसे TR इंटर या सेलेक्ट करके ट्रिम कर दें। एंटर ओके। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या करना है। इसके आगे अब हमें एक एक लाइन इस दोनों 45 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना है और उसके एक सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि हम लोग लेंगे 40 रेडियस ओके। तो लाइन के लिए या तो लाइन या एल एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ओके। और ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें एंगुलर चाहिए ये रहा। तो अभी हमने यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या करना है, तो हम पता है कि इस दोनों के बीच में लेना है, तो पहले तो हम
इस सर्किल का, ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका डायमीटर था 500, तो हम लोग इस लाइन का लेंथ 250 डाल देंगे। इसके बाद फिर टैप करेंगे, टैप करने के बाद ये एंगल अब स्पेसिफाई करना है ना, तो एंगल क्या होगा 45 डिग्री। ओके 45 डिग्री, एंटर, स्केप, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके इसके मिड पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ करना है 40 रेडियस का। चलिए सर्कल ले लेते हैं, सेंटर रेडियस ना, ये रहे सेंटर, रेडियस डालना हमें 40, एंटर। चलिए फिर से हमें एरे कमांड पे यूज करना है, एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो यहाँ 6 आइटम ऑलरेडी इनपुट दिया हुआ था, तो 6 आइटम का हो गया, पर हमें चाहिए 4 आइटम। ओके तो हम जाएंगे इधर आइटम्स में, और इधर इसे 6 को चेंज करके 4 कर देंगे, और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हो गया, एंटर, क्लोज एरे। ओके चलिए अब इसके बाद हो गया, हम इसके बाद हमें करना है ये सेंटर लाइन ड्रॉ करना है ना। चलिए सेंटर लाइन के लिए हम सीखेंगे लेयर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके का हमारा आइकन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा आइकन। इसमें ये जाएंगे तो ये नया लाइन यहाँ पर ऐड हो गया, आप देख रहे हैं इधर 0 है। अब ये लेयर, इसमें हम जो सेंटर क्लिक कर रहे हैं, तो सेंटर यहाँ पर लिख देंगे सी ई सेंटर। कलर अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से जाएंगे, जिस कलर को आप पसंद करते हैं या जो रिक्वायरमेंट है वो कलर चूज करके आप इसे सिलेक्ट कर दे। सिलेक्ट करने के बाद ओके, देन आफ्टर हम लोग इसमें जाएंगे, इस फिर लोड, लोड के बाद हमें क्या चूज करना, सेंटर्स, तो सेंटर सेंटर सेंटर, चलिए हम सेंटर 2 सिलेक्ट किया हमने, ओके फिर सेंटर, फिर ओके, ये आ गया हमारा सेंटर। अब इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हमें ये चेंज करना है ना, चलिए फिर अब हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, हो गया, और इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ओके अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से सेंटर क्लिक, एंटर। ओके ये देखिए ये डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग चाहे तो इससे हैचिंग का भी यूज कर सकते हैं, इसमें अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हैच को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हैच खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जिस सिंबल का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, मान लिया N136 सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पर डालना है वहाँ पर लेके गए। इसके बाद हम चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई एक सा कलर ले लिया, ओके इस तरीके से कर सकते हैं, क्लोज कर दिया, ये हमारा हो गया तैयार डायग्राम। ठीक तो ये डायग्राम बनके तैयार है, ये हम लोगों का बेसिक क्लास चल रहा है। तो आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल बताएंगे, ये सेशन कैसा लगा, फिर अगर सही लगेगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे आगे ये कंटिन्यू करना है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।